क्वेश्चन नंबर टू, रूट दैट टू साइन स्क्वायर पाई बाय सिक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर सेवन पाई बाय सिक्स कॉस स्क्वायर पाई बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री बाय टू। बच्चों क्वेश्चन नंबर टू के लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको इसे सॉल्व करके ये लेके आना है थ्री बाय टू। देखिए बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जो रेडियन मेजर वाले हैं, उन्हें आप हमेशा डिग्री मेजर में सोचा करें, ठीक है ना। जैसे आप देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो एंगल है पाई बाय सिक्स थर्टी है ना, तो इसे आप लिख सकते हैं टू वन अपॉन टू की होल पावर टू प्लस। बच्चों ये एंगल आप देख पा रहे हैं सेवन पाई बाय सिक्स, ये 210 है ना। ये कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों एंगल है, 7 पाई बाई 6 जो है ये 210 है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस वाले क्वाड्रेंट में है। इसे डायग्राम समझिए आप, यहां है इस वाले में, तो इसमें जाने के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसमें प्लस कर लें मतलब पाई में, या 3 पाई बाय 2 में से माइनस कर लें, दो तरीके हैं है ना। इसे एंगल छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू हम बता पाएंगे कॉस स्क्वायर सॉरी कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 आप इसे लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको तरीका बता रखा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि हमें पाई के हेल्प से अंदर जाना है क्वाड्रेंट थर्ड में, तो इसे आप ऐसे करिए सेवन को आप डिवाइड करोगे बच्चों सिक्स से, तो ये आ जाएगा, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा वन होल वन बाई सिक्स, इसे लिखो वन प्लस वन अपॉन सिक्स, ऐसे लिख सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि यहां सेवन बाई सिक्स के साथ पाई भी है, तो आपने पाई और लगा लेना है पाई प्लस पाई बाई सिक्स। समझना है बच्चों को, ऐसे ब्रेक करना सीखें। और कॉसेक कॉस स्क्वायर पाई बाय थ्री, ये बच्चों 60 है और कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, मतलब 1 अपॉन 2 की होल पावर 2। समझ में आ रहा बच्चों को, है ना। तो जब बच्चों बड़े एंगल हो तो आप ये देखिए कि वो किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और उसके बाद हम हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से एंटर करें या वर्टिकल लाइन से। तो आप हमेशा कोशिश ये करें कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल होता है उसकी हेल्प से एंटर किया करें, ठीक है ना, उसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। देखिए बच्चों आपको बताओ कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, लेकिन यहां होल स्क्वायर है ना। चलिए ऐसे देखें, टू इंटू वन अपॉन टू का होल स्क्वायर वन अपॉन फोर, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉसेक पाई बाई सिक्स की होल पावर टू इंटू वन अपॉन फोर। कॉसेक पाई प्लस पाई बाय सिक्स माइनस कॉसेक पाई बाय सिक्स होगा, ठीक है ना, कॉसेक पाई प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, लेकिन होल पावर टू है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये बच्चों इसे टू टाइम्स कैंसिल हो गया तो वन अपॉन टू, और ये कॉसेक थर्टी है बच्चों, तो इसकी वैल्यू माइनस टू की होल पावर टू इंटू वन अपॉन फोर, या वन अपॉन टू प्लस फोर इंटू वन अपॉन फोर, फोर से फोर कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 अपॉन 2, 3 बाई 2। समझ आ रहा बच्चों को, इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड।